हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है एनालॉगी। और एनालॉगी से रिलेटेड 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी परीक्षाओं के लिए, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा और हो सके तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी, ताकि किसी दूसरे की भी हेल्प हो सके। और कल मैंने एक चैप्टर अपलोड किया था डायरेक्शन वाला, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली एक नया चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को जरूर लाइक भी करेंगे। तो यहां पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं सभी टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पे कवर कराने वाला हूं। देखिए, न्यूमेरिकल हो गए, ठीक है, इनके सॉल्यूशन भी हो गए, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ एनालॉगी का, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका, जिस प्रकार चेहरे का संबंध अभिव्यक्त से है, उसी प्रकार हाथ का संबंध किससे है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कार्य, सिलाई, बुनाई, भाव। तो यहाँ पे देखिए, चेहरे अभिव्यक्त का मतलब होता है एक्सप्रेशन, जैसे चेहरे से हम एक्सप्रेशंस देते हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं, वैसे हाथ का संबंध किससे होगा, कार्य से होगा, सिलाई से होगा, बुनाई से होगा, भाव से होगा। ऑब्वियसली बात है, कार्य से होगा, क्योंकि हाथ से ही हम सारे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो सकता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू है, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। तो देखिए, जैसा फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन करना होता है। जैसे फैक्ट्री में आप कोई भी फैक्ट्री देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन चलता रहता है, तो उत्पादन करना होता है। उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा, अध्यापक से होगा, उत्पाद से होगा, विद्यार्थी से होगा, या शिक्षा से होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, तो इससे आपका एक वो भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ट्राई भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। देखिए, जहाज जब चलता है आपका, वो किसकी देखरेख में चलता है, कप्तान की। तो वैसे अखबार किसकी देखरेख में आपका प्रकाशित होता है, तो वो देखिए, लेखक, संपादक, निर्देशक और प्रकाशक। तो यहाँ पे संपादक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो जैसे मछली जल में तैरती है, वैसे ही चिड़िया कहाँ पे उड़ेगी, तो सड़क पर, आकाश में, नदी में, या छत पर। आकाश में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव है, फटाफट कर लेते हैं। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है पहले। तो यहाँ पे देखिए, सचिन तेंदुलकर क्या क्रिकेट खेलते थे, और अभी यहाँ पे मतलब क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं, और सानिया मिर्जा किससे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेनिस से। तो यहाँ पे टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन का एक यही साधन है, जिससे मैं हमेशा मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ऊष्मा, कैलोरी और ध्वनि का क्या होगा। तो जैसे कैलोरी मतलब किसका मेजरमेंट है, ऊष्मा का, ऊष्मा हम किस में मेजर करते हैं, कैलोरी में, वैसे ध्वनि को किस में मेजर करेंगे, डेसिबल में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धनुष, बाण, पिस्तौल का आपको बताना है। तो धनुष से आपका बाण छोड़ा जाता है, पिस्तौल से क्या छोड़ी जाएगी, तो यहाँ पे सीधा सीधा सा आंसर बी हो जाएगा, गोली छोड़ी जाती है, सभी को पता है। पोशाक, दर्जी, बढ़ाई। तो देखिए, पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है, तो बढ़ाई कौन क्या बनाता है, ये फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा, पूरी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे लिखा है 64 और इसका नेक्स्ट एनालॉगी लिखा है 513 और नेक्स्ट 144 लिखा है, नेक्स्ट आपको बताना है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपने आंसर किया। नाइन का यहाँ पे देखिए राइट आंसर किस तरीके से आया है। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 8 64, तो 8 का स्क्वायर हो गया है 64। अब यहाँ पे जो 513 लिखा है, आप इसके देखिए आसपास में किसका क्यूब है, ठीक है, तो ये 8 का क्यूब प्लस 1 है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। भाई 8 का अगर मैं क्यूब कर दूँ कितना हो जाएगा,
512 और प्लस 1 कर दीजिए तो 513। तो आप समझ गए यहाँ पे 8 का स्क्वायर चला, यहाँ पे 8 का क्यूब प्लस 1 चला, तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, 12 का क्यूब प्लस 1। तो 12 का क्यूब कितना होता है भाई, 1728 होता है, आपको पता होना चाहिए। 1728 प्लस 1 कर देंगे तो 1729 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को ट्राई करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, इसमें क्या किया गया, 11 की मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 में, यानी कि 11 की मल्टीप्लाई 12 में की गई है। तो 11 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे कितना आएगा भाई, 132 आ जाएगा। वैसे ही आपको 9 की मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 में, यानी कि 10 में करनी है। 9 की मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई 10 में, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे था सीरीज, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम कैच कर सकते हैं आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, जो पहले वाला इसमें लिखा है रेशो से पहले इसका स्क्वायर किया गया है, 1/9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। वैसे ही आपको 1/13 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रहेगा, तो 1/13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169 होता है, तो यहाँ पे 1/169 आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं फटाफट, 20 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, 12वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, बट अब की बार स्क्वायर आ गया है, यानी कि 10 का स्क्वायर है ये किसका हो जाएगा, ये 11 का स्क्वायर, यानी कि 10 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। अब ये किसका है, 12 का स्क्वायर है ये, तो नेक्स्ट आपका किसका आएगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, अभी बताया ना मैंने ऊपर 169 इज द राइट आंसर। तो सेकंडों में कर लोगे, सेकंडों में कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ध्यान दे लीजिए। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 10 का था, यहाँ पे 10 प्लस 1 का या 11 का हो जाएगा, यहाँ 12 का था तो 12 प्लस 1 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना काम करना है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से ट्राई करिए, 7 क्वेश्चन और रह गए इससे अलग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बच्चा भी कर सकता है जिसको क्यूब पता होते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125, यहाँ पे फिर 4 का क्यूब हो जाएगा 64, यानी कि यहाँ पे 4 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझे आप इस क्वेश्चन को, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, 14 करिए, 14 में भी आपका कोई एक सिंपल सी सीरीज चल रही है। देखिए 12 का यहाँ पे क्या किया गया है, 12 की मल्टीप्लाई 13 में की गई है, तो 12 मल्टीप्लाई 13 12 × 13 कर देंगे तो आपका ये 156 बन जाएगा। वैसे ही आपको 140 में 13 की मल्टीप्लाई कर देनी है भाई, समझे आप इस चीज़ को, 12 से नेक्स्ट 13 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें 156 में। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लाई 13 में की, वैसे ही आपकी 140 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 140 × 13 करेंगे तो आपका 1820 आ जाएगा, तो 1820 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद आपके बच जाएंगे 5 क्वेश्चन और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज तो बहुत ही सिंपल है, 15 क्वेश्चन में ट्राई आपने कर ही लिया होगा। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे लिखा है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी, टी के बाद में क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कितने 1 2 3 4 5 देख लीजिए, 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि 5 ही आएंगे, तो देख लीजिए इसमें से टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। तो जैसे यहाँ पे लगातार लिखे हुए हैं वैसे आपको नेक्स्ट लगातार लिख देने हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था, पहले आ चुका था इसलिए मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से ट्राई करिएगा। इसमें चल रहा है कुछ इस तरीके की सीरीज, प्लस 1, ठीक है, फिर आपका एक घटता हुआ दिख रहा है, -2 हो जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज होनी चाहिए, 1 2 3 आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किस नंबर पे आता है ये। ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, और मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कम से कम हर एक वीडियो में, हज़ारों वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको याद नहीं होते हैं तो ए से एम तक
एम के नीचे एन, एन से जेड तक, ये लिख लीजिए बार बार, उनके ऊपर 1 2 3 डाल लेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे, और याद नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चन तो जरूर सही हो जाएंगे। बहुत ही स्पीड बना लीजिए 30 सेकंड में अगर आप लिख सकें इनको, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, +1 -2, ठीक है, फिर आपका +3 -2, तो इस तरीके से चल रहा है, और ये फिर -8 हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं पहले से ही लेके आया था, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है ना, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो जैसे आपकी ये वाली सीरीज बन रही है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, समझते हैं इसको, +1 चल रहा है, नेक्स्ट है तो +1 हो जाएगा, और 2 पीछे चला गया, फिर -2 हो गया, फिर +3 कर दिया, फिर -2 कर दिया, और फिर दूसरे वाली जब इसमें रेशो के बाद में लगा के गए हम, तो फिर -8 आ गया, फिर +1 से, फिर -2 और +3 -2, इस तरीके से फिर सीरीज बन गई। तो जो सीरीज ऊपर इसमें फॉलो हो रही है वही आपको नेक्स्ट फॉलो करनी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो इसमें फॉलो हुआ है वैसे ही आपको नेक्स्ट कर देना है। तो VWUXZ को आपको किस तरीके से करना है, उसी तरीके से +1 करेंगे तो W, -2 करेंगे U, +3 करेंगे तो X, +2 कर देंगे तो Z, -8 कर देंगे तो 8 पीछे आ जाएंगे, R पे आ जाएंगे, R से फिर +1 तो S, -2 तो Q, +3 तो T, और T में +2 तो V। तो आपका बन जाएगा ये राइट आंसर, RSQTV राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बहुत ही अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, और ये RPF में पहले आ चुका है, तो इसको कैसे करना है भाई। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ये सभी अपोजिट लिखे हुए हैं, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, वैसे आपका C का अपोजिट क्या होता है भाई, X होता है, और D का अपोजिट W होता है। फिर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आपको अल्फ़ाबेट की नॉलेज है कि कौन सा अपोजिट होता है, कौन से नंबर पर आता है, तो आप इजीली कर लेंगे। तो इन दोनों के अपोजिट X और W हो जाएंगे, तो देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा D, तो ऑप्शन D राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 18 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और किस तरीके से किया गया है वो देख लीजिए, आप ट्राई करिए, और 18 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा अगर आप दे सके तो, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लोवर, तो इसको उल्टा करके लिख दिया गया है, यानी कि जो R लास्ट में था उसको शुरू में लिख दिया गया, R फिर E फिर W फिर O फिर L और फिर F, इस तरीके से लिख दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले S आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, फिर I आ जाएगा, फिर U आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर F आ जाएगा, यानी कि S T I U R F। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आई थिंक आपका हो जाएगा C, ठीक है ना भाई, STIURF, हाँ ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। 19 में एक ट्रिक मतलब यहाँ पे लगाई गई है, कुछ अलग ही थोड़ा सा है ये, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि लास्ट में जाके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और हाँ, इसके सॉल्यूशन इस पूरी PDF में मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, लिंक नीचे भी मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा। फिर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इसमें NEU यहाँ पे शुरू के 3 अक्षर लिखे हैं NEU, और ये लास्ट में लिख दिए गए हैं, फिर लिखे हैं आपके RO, RO को बीच में लिखा गया है, फिर TIC इनको लास्ट में, मतलब जो लास्ट के थे उनको शुरू में लिख दिया गया है, कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, NEU को लास्ट में लिख दिया गया, TIC को फिर इधर लास्ट में लिख दिया गया, RO को नीचे लिख दिया गया इसी के, ठीक है। वैसे आपको PSY को यहाँ से लिख के यहाँ पे लिख दिया गया, TIC को यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है, और उन जो बीच वाले हैं उनको वहीं पे लिख दिया गया है। तो ये आपका बन जाएगा कोड, जो कि बहुत ही सिंपल था, थोड़ा अलग था, मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन सर मुझे लगा इसमें दे दिया गया है। और नेक्स्ट आप जो भी चैप्टर बोलेंगे वो कवर कराऊंगा, अदरवाइज मैं कोडिंग डिकोडिंग की कल वीडियो लेके आऊँगा। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि कल कौन सा चैप्टर लेके आना है, ठीक है। तो PSY को आपने यहाँ पे लिख दिया, TIC को यहाँ पे लिख दिया, CHO को यहाँ पे लिख दिया, तो आपका ये बन गया कोड, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, तो 20 और भी ज़्यादा सिंपल है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, अलग अलग मैं निकाल के लेके आया उन्हें, अलग अलग अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको जितने भी एनालॉगी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कवर करा दूं, ताकि आपको पता चल सके कितनी तरीके की एनालॉगी होती है,
ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने कराए इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मतलब क्वेश्चन तो बाहर ही आएंगे, अलग डिजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, बट इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, जितनी प्रैक्टिस हो सके कर लीजिएगा अपनी बुक से। तो यहाँ पे डी का देखें, डी में अगर मैं प्लस वन कर देता हूँ ई में आ जाएगा, और ई में अगर मैं प्लस वन कर देता हूँ तो एफ आ जाएगा, और एफ में से माइनस टू कर देता हूँ तो डी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चला, प्लस वन माइनस टू, फिर वैसे ही आपको करना है इसमें, तो इसमें प्लस वन करेंगे तो जी आ जाएगा, जी में प्लस वन कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा एच हो जाएगा, और नेक्स्ट में हम माइनस टू कर देंगे तो आपका एफ हो जाएगा, एच में से माइनस टू तो एफ, तो जी एच एफ राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए जी एच एफ यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो दोस्तों देखिए इसका ये रहा आंसर, ठीक है, हर एक का आंसर मैं इसकी इसी के नीचे प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबके, 18वें का ये रहा आंसर, ठीक है, जैसे ये हो गया 19वें का ये रहा आंसर, ठीक है, 20वें का ये रहा आंसर, तो सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, इसकी पीडीएफ आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, लिंक नीचे भी है, आप डायरेक्ट सर्च करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर डेली पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाती है, करंट अफेयर पीडीएफ, रीजनिंग की और ऑनलाइन टेस्ट की, मैथ की, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है सब आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो उनको देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल दी बेस्ट जिनका एग्जाम आने वाला है। इसी तरीके से मैं सारा कोर्स आपका कवर कराने की कोशिश में हूँ, तो आप भी देखते रहिए सारी प्रीवियस वीडियोज़ को भी, लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अगर आप मेरे से कोई भी बात बताना चाहते हैं, फिर डायरेक्ट फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप सौरभ मलिक SURABHMALIK सर्च कर लीजिएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी, और मुझे मैसेज कर दीजिएगा जो भी आप चेंज चाहते हैं, या फिर ये नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आप चेंज कराना चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं उस तरीके से लेकर ये वीडियो को, ये चीज़ पहले कराइए वो चीज़ बाद में कराइए, मैं आपका इंस्टाग्राम पे 100% रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम का एक बार और बता देता हूँ, SURABHMALIK मलिक, और 17K आप लिख दीजिएगा बाद में, मतलब विदाउट एनी स्पेस आपको पूरा का पूरा लिखना है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपके रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।